गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना जो रिवीजन सीरीज चल रहा है और रिवीजन सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अपना क्लास 12th का पोर्शन। और क्लास 12th के पोर्शन में जूलॉजी सेक्शन का जो है लास्ट चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे। और बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले दो चीजों की बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और फिर बात करेंगे कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है? तो आते हैं सबसे पहले कहां पर, बायोडाइवर्सिटी पर। बेसिक्स आपको मालूम है, मैंने पहले ही बोला हुआ है, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है वही बच्चे रिविजन करें, ठीक है? जो बच्चा अभी 12th में है या और जूनियर क्लास में है उनके लिए ये रिविजन नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है केवल वही बच्चे रिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, केवल वही रिवाइज करेंगे, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, ठीक है? अब बात आती है कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। तो जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड में जितने अलग अलग टाइप के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके कंपोनेंट मिलते हैं उन्हीं को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। तो कैसे डिफाइन करते हैं, सो इट इज डिफाइंड एज द डायवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी लिविंग वर्ल्ड का, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके कंपोनेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो डायवर्सिटी है, इसी को बोला जाता है बायोडायवर्सिटी। वो सेलुलर लेवल से लेके बायोम के लेवल तक हो सकती है, यानी छोटे से छोटा लेवल कौन सा है, सेलुलर लेवल, और बड़े से बड़ा लेवल कौन सा है, बायोम का लेवल। सबसे पहले बात करते हैं कि टर्म किसने दिया था। तो एडवर्ड विल्सन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोडायवर्सिटी टर्म दिया था। क्या दिया था, बायोडायवर्सिटी टर्म। अब बायोडायवर्सिटी जो है कई लेवल की पाई जाती है, यानी कई ग्रेड ऑफ बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक बायोडायवर्सिटी की, यानी जेनेटिक डायवर्सिटी की। जेनेटिक डायवर्सिटी क्या कह रहा है कि अलग अलग स्पीशीज जो है ना, अलग अलग स्पीशीज में या बोला जाए कि डायवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीशीज एट जेनेटिक लेवल। एक सिंगल स्पीशीज में जो जेनेटिक लेवल पे जो डायवर्सिटी मिलती है उसे बोला जाता है जेनेटिक डायवर्सिटी। अब जेनेटिक लेवल की डायवर्सिटी कैसे हम समझाएंगे, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, एक प्लांट है जिसका नाम है राउवल्फिया वोमिटोरा प्लांट। ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है और इसमें से हमें एक केमिकल मिलता है रेजरपाइन। क्या मिलता है, रेजरपाइन। और हिमालय में ये जो प्लांट्स, इनकी वैरायटीज अलग अलग होती हैं, ठीक है? और अलग अलग वैरायटीज में ये जो केमिकल है रेजरपाइन, इसका पोटेंसी और कंसंट्रेशन, पोटेंसी मतलब पोटेंशियलिटी, एफिशिएंसी, और उनका कंसंट्रेशन अलग अलग पाया जाता है, ठीक है? तो एक ही स्पीशीज के अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किस लेवल पे है, ये जेनेटिक लेवल का डिफरेंस है, ठीक है? दूसरा एक एग्जाम्पल आता है कि एक ही स्पीशीज के अंदर जो डिफरेंस है, विद इन अ स्पीशीज के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इंडिया में मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस, ठीक है? एक स्पीशीज के अंदर जो है स्ट्रेन्स आते हैं, जिन्हें हम, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक स्पीशीज के अंदर वैरायटी, रेस और स्ट्रेन्स भी मिलते हैं। तो एक ही स्पीशीज के अंदर 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन्स किसके पाए जाते हैं, राइस, जिनको हम बोलते हैं ना वैरायटी, बोल सकते हैं समझने के लिए। एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, 1,000 से ज्यादा आम की वेरायटी। बोलते ना कि अपन आम सुनते हैं, लंगड़ा आम, ठीक है, फिर दशहरी आम, फिर बादाम, फिर तोता परी, और पता नहीं कौन कौन से आम होते हैं, ठीक है? तो 1,000 से ज्यादा वेरायटी जो है मैंगो की पाई जाती है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है कि आपको मालूम है आम को लंगड़ा क्यों कहते हैं, ठीक है? जिसको मालूम है कमेंट में लिखना इसको, कि आम को लंगड़ा, जो लंगड़ा आम है उसका नाम लंगड़ा क्यों पड़ा है। तो जिसको भी मालूम हो वो बताना। ऐसा है क्या कि वो बैसाखी से आता है या हैंडीकैप्ड है, उसकी एक पैर नहीं है, या कुछ भी हो, तो नाम क्यों पड़ा है वो मुझे बताना, ठीक है? जिसको भी मालूम होगा कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि बाकियों को भी पता चले। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात आती है कि अब पहला तो गया जेनेटिक डायवर्सिटी की, एक स्पीशीज के अंदर जो डिफरेंस मिल रहा है। फिर आता है कि अलग अलग स्पीशीज का जो डिफरेंस मिल रहा है, सो डिफरेंट डायवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल।
स्पीशीज के लेवल पे क्या डाइवर्सिटी है? जैसे यहां पर हम बात करें वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है यानी एम्फीबियंस की नंबर ऑफ स्पीशीज वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा है, ठीक है। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस का नंबर ऑफ स्पीशीज ईस्टर्न घाट से ज्यादा है, याद रखना है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बात आती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या कहता है? डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, किसी एक इकोसिस्टम के लेवल पे क्या डाइवर्सिटी है। तो इकोसिस्टम पे लेवल पे वही बात है आ जाएगी कि जहां पर जो है वेजिटेशन ज्यादा होगा वहां की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और वेजिटेशन कहाँ पे ज्यादा होगा? जहां प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज में मिलेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम बनते हैं इन डिफरेंसेस से, हमने लास्ट क्लास में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने पढ़ा था, डेजर्ट बनता है, रेन फॉरेस्ट बनता है, मैंग्रोव्स बनते हैं, कोरल बनते हैं, वेटलैंड्स बनते हैं, ईस्टरीज बनती हैं, अल्पाइन मेडोज, ये सभी अलग अलग तरह के इकोसिस्टम बनते हैं और इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं कि क्या ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ की और क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी है इंडिया की। तो वही ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, उन्होंने 2004 का डेटा रिलीज किया था और ये डेटा कहता है कि मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज आर डिस्क्राइब्ड सो फार। अभी तक 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। एक साइंटिस्ट रहे हैं रॉबर्ट मे, इनका डेटा थोड़ा सा अलग रहा है। इन्होंने अपना एक ग्लोबल एस्टिमेट दिया है कि अब तक जो है अबाउट 7 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अभी तक अर्थ पे कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है? 7 मिलियन, 70 लाख, और अभी तक हम लोगों ने केवल 22% स्पीशीज को ही रिकॉर्ड किया है। तो ये फैक्ट है, याद रखना, जो ग्लोबल एस्टिमेट है रॉबर्ट मे का कि 70 लाख स्पीशीज प्रेजेंट है और अभी तक हमने केवल 22% ही जो है रिकॉर्ड किया है। एनिमल्स को लेकर इन्होंने बताया कि एनिमल्स आर मोर डाइवर्स, एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है लगभग 70%, एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांटेन फंजाई, और प्लांट्स और फंजाई को इंक्लूड करें तो 22% मिलते हैं। अमंग इंसेक्ट्स, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में इंसेक्ट्स जो है सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस पाया जाता है एनिमल्स का, और इसमें हमें जो मिलता है आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की डायवर्सिटी यानी इंसेक्ट्स की बायोडायवर्सिटी हमें सबसे ज्यादा मिलती है एनिमल्स में। पढ़ा हुआ अपन ने 10 में से 7 इंसेक्ट होते हैं यानी 70% के लगभग पाई जाती है। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेटा आता है, नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इज मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब पूछा गया कि किसको किससे कंपेयर किया गया, तो फंजाई की स्पीशीज ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 4 ग्रुप को एक साथ जोड़ दो, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स। फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इन चारों को एक साथ कंबाइन कर दो तो नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज ज्यादा रहेंगी, याद रखना, ठीक है। और यहां पर हमें कुछ ऐसे डायग्राम दिए गए हैं इनके परसेंटेज को समझाने के लिए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बच्चों, ध्यान में रखना है ये डायग्राम्स को। पहला डायग्राम्स जो है इनवर्टिब्रेट्स को बता रहा है, उनकी नंबर ऑफ स्पीशीज यानी स्पीशीज रिचनेस को बता रहा है। तो इसमें एक मैक्सिमम ग्रुप जो दिख रहा है वो क्या है, इंसेक्ट का है इनवर्टिब्रेट्स में, 75% से थोड़ा ज्यादा है ना, 75% से थोड़ा ज्यादा ये ग्रुप दिख रहा है। अब उसके बाद जो दूसरा है आप देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप जो है यहाँ पर एक ग्रुप का वो है मोलस्का। तो इंसेक्ट्स के बाद आते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, अगर आपको याद होगा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट, फिर आते हैं क्रस्टेशियंस, और बाकी एनिमल्स का ग्रुप इसमें सारे एनिमल्स इंक्लूड करके आते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी में बात करें तो आर्थ्रोपोडा नंबर वन है, क्योंकि क्रस्टेशियंस भी किस में आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आएंगे, आर्थ्रोपोडा नंबर वन है, और नंबर टू पे मोलस्का मिलता है। और अगर इंडिविजुअल ग्रुप बोले मोलस्का के बाद तो क्रस्टेशियंस मिलता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेट्स की बात करें तो लगभग 50% जो है फिशेस पाई जाती हैं, और इसके बाद जो डिफरेंस आता है वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स का लगभग लगभग इक्वल होता है, मैमल्स और एम्फीबियन का भी लगभग लगभग इक्वल है ना पाई जाती हैं। तो ये हमें याद रखना है कि इसमें सबसे ज्यादा कौन है,
फिशेस का था। फिर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फंजाई और जो एंजियोस्पर्म है, फंजाई और एंजियोस्पर्म, तो फंजाई का थोड़ा सा ज्यादा है डाइवर्सिटी किससे, एंजियोस्पर्म से, याद रखना। तो नंबर वन हो जाता है फंजाई, नंबर टू एंजियोस्पर्म, नंबर थ्री मिल जाता है एल्गी, नंबर फोर मिल जाते हैं मॉस, नंबर फाइव मिल जाते हैं फर्न और एलाइज, और नंबर सिक्स मिल जाते हैं लाइकेन से, याद रखना ठीक है। अब बोला गया इंडिया का क्या भाई कंट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी में, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया केवल 2.4% ऑफ लैंड एक्वायर करता है और बायोडाइवर्सिटी में शेयर जो है 8.1% है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो सबसे हाई बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में 12, उनमें से एक इंडिया है। नियरली 45,000 प्लांट स्पीशीज और लगभग इससे दुगना एनिमल स्पीशीज यानी 90,000 एनिमल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन इंडिया, अभी तक रिकॉर्ड की गई हैं। हालांकि जो ऊपर हमने पढ़ा था रॉबर्ट में, ठीक है, रॉबर्ट मे का जो ग्लोबल एस्टिमेट था वो इंडिया के लिए भी कुछ अलग है। उन्होंने बोला कि भाई इंडिया में इससे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बोला कि इंडिया में लगभग 1,01,000 प्लांट स्पीशीज और 3,00,000 एनिमल स्पीशीज मोर प्रेजेंट हैं अभी, जिनको रिकॉर्ड करना भी जो है बाकी के, जिनको अभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो ये मे का ग्लोबल एस्टिमेट है, किसको लेकर, इंडिया को लेकर, याद रखना। बायोलॉजिस्ट आर Not sure about total number of prokaryotes. तो prokaryotes का total number क्या है उसके बारे में भी biologist sure नहीं है। Conventional method of taxonomy is not suitable for identifying microbial species. तो microbial species यानी जो microscopic species हैं उनको identify करने के लिए जो पुराना तरीका है, जो traditional तरीका है taxonomy का, वो काम नहीं करेगा। और कई ऐसी स्पीशीज हैं जिन्हें लैबोरेटरी में कल्चर नहीं किया जा सकता और इसलिए सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलना पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रखना। सभी का रिकॉर्ड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी एक खास पैटर्न को फॉलो करता है। कौन कौन सा पैटर्न फॉलो करता है भाई? एक आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट यानी जो हमारे अर्थ का लैटिट्यूड है, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। अब बोला क्या गया है कि जैसे हम इक्वेटर से अर्थ की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी विल डिक्रीज इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा था, मैक्सिमम टेम्परेचर जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मिलता है वो इक्वेटर पे मिलता है। जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाते हैं टेम्परेचर रिड्यूस होता है और टेम्परेचर की वजह से क्या होती है, एंजाइम्स की काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट होती है और बायोडायवर्सिटी रिड्यूस होती है। फिर बोला गया ट्रॉपिकल एरियाज, जो इक्वेटर के पास वाले एरियाज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी 23 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलता है। इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसे ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं, इनके बियॉन्ड जो एरिया है उन्हें टेम्परेट और पोलर एरियाज कहा जाता है। तो जैसे इक्वेटर से दूर दूर जाएंगे, जैसे मान लो ये हम बात करें अर्थ की, ठीक है, जस्ट वन सेकेंड, अगर हम बात करें अर्थ की, ये मान लो अर्थ है, ठीक है भाई, गोल टाइप का बन भाई, ये मान लो अर्थ है। अब अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इक्वेटर, ठीक है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर आर्कटिक सर्कल और इधर अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये जो रीजन है कौन सा रीजन, इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज। उसके ऊपर वाला जो एरिया आता है ये है टेम्परेट जोन और उसके ऊपर जो है पोलर जोन मिलता है, ठीक है। तो ये तीन एरियाज मिलते हैं, हमें ध्यान रखना है। नंबर ऑफ बर्ड्स इन डिफरेंट लैटिट्यूड, अब ये हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी हमें अफेक्ट होती दिख रही है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोलंबिया एक जो है कंट्री है जो इक्वेटर के पास प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? इक्वेटर के पास प्रेजेंट है।
इक्वेटर के पास, यानी 0 डिग्री जो है, हाफ जो इक्वेटर है ट्रॉपिकल एरियाज का जो सेंटर है वहां पर प्रेजेंट है। तो वहां 1400 स्पीशीज बर्ड्स की प्रेजेंट है। इंडिया जो कि थोड़ा सा ऊपर है, इंडिया की अगर हम बात करें तो एंड ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में तो आता है लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही पाया जाता है इंडिया जो है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीचों बीच से गुजरता है। तो यहाँ पर 1200 स्पीशीज है, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा इंडिया, ठीक है। और न्यूयॉर्क देखें 41 डिग्री नॉर्थ पे, तो वहां पे 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पे है, वहां पर 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। एक और बात बताया गया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जब कंपैरिजन किया गया तो इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर, इक्वाडोर में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहां पर वैस्कुलर प्लांट्स की स्पीशीज उतने ही बड़े एरिया से 10 गुना ज्यादा है जो मिडवेस्ट ऑफ यूएसए में मिलेगा, ठीक है। यानी एरिया सेम है, जगह अलग अलग है, और जो ट्रॉपिकल है यानी इक्वेटर के पास है इक्वेडोर, वहां की जो डाइवर्सिटी है वो 10 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। दोनों का एरिया सेम है। ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट की बात करें तो साउथ अमेरिका में है, सबसे हाई बायोडाइवर्सिटी इसकी मिलती है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। क्या क्या मिलता है, मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स रिकॉर्ड की गई हैं, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज, 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, 427 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, 378 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स, 1,00,000 मोर देन 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये फैक्ट है बच्चों, पूछा जाता है, याद रखना है, फैक्ट तो पूछे जाएंगे। अब बायोडायवर्सिटी डिपेंड करता है स्पीशीज रिचनेस पे, जहां की नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा वहां का बायोडायवर्सिटी ज्यादा। बोला जा रहा है कि बायोडायवर्सिटी इक्वेटर के पास वाले एरिया में यानी इक्वेटर वाले एरिया में ज्यादा मिलती है। क्यों ज्यादा मिलती है, उसके 3 रीजन है। क्योंकि लाइफ का डेवलपमेंट पहले इक्वेटर के पास हुआ था, इसलिए इवोल्यूशनरी टाइम इक्वेटर वाले रीजन को ज्यादा मिला है। दूसरी बात, रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट होता है, ठंडी गर्मी बरसात लगभग इक्वेटर के पास एक समान होती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, तो सीजन बहुत कम होते हैं वहां। ठंड में भी लोग जो है हाफ स्वेटर हाफ शर्ट ठीक है पहन के चलते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर का जो है वेरिएशन बहुत कम होता है, सीजन ज्यादा नहीं होते। दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विद कंट्रीब्यूट टू ग्रेट प्रोडक्टिव, वहां पर सनलाइट सीधे मिलती है जिसकी वजह से वहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा है और प्रोडक्टिविटी का भी रेट ज्यादा है। और जहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी प्लांट ज्यादा होंगे और वहां पर एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। अगला आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक स्टडी किया, और किसका स्टडी किया, साउथ अमेरिकन जंगल में स्टडी किया, एक रीजन में स्पीशीज रिचनेस को उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, अगर हम एरिया जो है यहां पर देखो, जैसे जैसे एरिया बढ़ता है बायोडायवर्सिटी बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद ये बायोडायवर्सिटी क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद कितना भी एरिया बढ़ाओगे बायोडायवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट। तो इसके आगे का भी मैंने बता दिया आपको। अब ये बोला किसने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, जिन्होंने स्टडी किया और इसको एक एक्सप्रेशन से दिया। और एक्सप्रेशन कैसा है, याद करना, ये ग्राफ कैसा मिल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ग्राफ कैसा मिल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ध्यान में रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो क्या है, s इक्वल टू सी ए टू द पावर z। क्या क्या है यहाँ पे, s फॉर स्पीशीज रिचनेस, a फॉर एरिया कवर्ड, c फॉर y इंटरसेप्ट, z जो है वो स्लोप ऑफ लाइन है जिसे रिग्रेशन कोफिशियंट भी कहा जाता है। और इसकी वैल्यू हमें मिलती है कहां पर, कितनी मिलती है, 0.1 से 0.2 के बीच में, ठीक है। ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल, एक लॉगरिथमिक स्केल पर अगर हम स्ट्रेट लाइन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमें स्ट्रेट लाइन का जो एक्सप्रेशन मिलता है, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। लेकिन जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका हमें क्या मिलता है, s इज इक्वल टू c a टू द पावर z, ठीक है, s इज इक्वल टू c a टू द पावर z, हमें याद रखना है। अब यहां पे z की वैल्यू, अब बोला गया है कि अगर जो नॉर्मली है
छोटे एरियाज के लिए, किसके लिए, स्मॉल एरियाज। अब ये पूछा जाता है कि स्मॉल एरियाज के लिए z की वैल्यू 0.1 से 0.2, लेकिन अगर कोई बड़ा एरिया है जैसे कि एक पूरा कॉन्टिनेंट है तो इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 तक हो सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ट्रॉपिकल एरिया में जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स पाए जाते हैं पूरे अलग अलग कॉन्टिनेंट में, वहां पर जेड की वैल्यू जो है 1.15 है। ठीक है, 1.15 ये पूछा जाता है। तो जेड की वैल्यू अफेक्ट होती है तीन वैल्यू, छोटे एरिया के लिए 0.1 से 0.2, बड़े एरिया के लिए 0.6 से 1.2, और ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स में फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स की जो जेड वैल्यू है वो है 1.15। याद रखना है क्या है इंपॉर्टेंस स्पीशीज डाइवर्सिटी की, जो डेविड टिलमैन ने बताया। ठीक है, डेविड टिलमैन ने बताया कि प्लॉट विद मोर स्पीशीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। तो जहां की स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होती है वहां पर ईयर बाय ईयर प्रोडक्टिविटी लेस होती है, ईयर बाय ईयर प्रोडक्टिविटी कम होती, मतलब वेरिएशन कम होता है, प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहती है, उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं आता, और इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो क्या होता है, स्टेबल। तो जहां भी बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी वहां रैंडमनेस ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी तो वहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी, ये बात को याद रखना है। इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी में बात कर रहा हूं, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हाई प्रोडक्टिविटी। जहां डाइवर्सिटी ज्यादा होगी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इकोसिस्टम का हेल्थ ज्यादा अच्छा रहेगा, इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसको लेकर एक और हाइपोथेसिस आता है जो दिया था पॉल एलरिच ने। पॉल एलरिच ने दिया था कि भाई रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है याद रखना, पॉल एलरिच रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया था। इट इज एन एनालॉगी जो बायोडायवर्सिटी को समझाने के लिए एक एग्जांपल की तरह लिया गया है। ठीक है, इन्होंने बोला कि जैसे एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन में हजारों रिवेट्स लगे होते हैं, रिवेट्स मतलब नट बोल्ट लगे होते हैं, लेकिन बिना स्क्रू लाइन वाले जो नट बोल्ट होने उन्हें रिवेट्स कहा जाता है, जिन्हें हैमर करके लगाया जाता है। ठीक है, आपको अगर ये जानना हो रिवेट्स कैसे होते हैं, तो रेलवे जो पटरी होती है, रेलवे की पटरी, उसमें रेलवे की पटरियों में जो नट बोल्ट ऐसे लगाए जाते हैं जिन्हें हैमर करके लगाया जाता है, वो रिवेट्स होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई एक एरोप्लेन में हजारों रिवेट्स होते हैं, और हजारों रिवेट्स में अगर कोई कोई लेस इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट रिवेट जो है वो रिमूव कर दो, जैसे सीट से रिमूव कर दिया, तो उससे एरोप्लेन की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह से रिमूव कर दिया, जैसे कि जो लैंडिंग गियर है या विंग्स हैं, वहां से रिमूव कर दिया, तो एरोप्लेन की स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम लेस इंपॉर्टेंट रिवेट्स को भी एक एक करके निकालते जाएं, तो शुरू के रिवेट्स निकालेंगे तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक समय के बाद उसका जो प्लेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और तब वो प्लेन क्रैश कर सकता है। तो दो चीजें, एक मोर इंपॉर्टेंट रिवेट वाली भी बात आ गई कि मोर इंपॉर्टेंट पोजिशन से अगर रिवेट को निकालेंगे तो जो है प्लेन क्रैश कर सकता है, और दूसरा लेस इंपॉर्टेंट रिवेट्स को ज्यादा निकाल देंगे तो भी प्लेन क्रैश कर सकता है। ये यही बात हो रही है इकोसिस्टम में। बोला गया कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज हैं, हर स्पीशीज की इंपॉर्टेंस अलग है। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उसको रिमूव कर दिया जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो एक स्पीशीज के रिमूव करने से इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है। लेकिन अगर कोई लेस इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होती है, तो उससे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यह बात को याद रखना। अब बोला गया कि अगर लेस इंपॉर्टेंट स्पीशीज को एक एक करके कई बार निकाल दिया जाए, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लगे, तो भी एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और इसीलिए बोला गया है कि दो चीजें, जो मोर इंपॉर्टेंट स्पीशीज है उन्हें की स्पीशीज कहा जाता है, जो इकोसिस्टम को ड्राइव करने के लिए मेजर फंक्शन रोल करते हैं। ठीक है, और ये अपने को याद रखना है। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, भाई बायोडायवर्सिटी को नुकसान भी हुआ है, और उसको IUCN ने अपनी एक रेड लिस्ट में दिया है 2004 में। इन्होंने बताया कि
पिछले 500 सालों में, कितने सालों में, 500 सालों में लगभग 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट स्पीशीज रही हैं। ये सब फैक्ट है, डेटा है, सीधा पूछा जाता है, ठीक है। इनमें से एक डेटा तो कोई ना कोई पक्का आएगा, एकदम लिख के ले लो बेटा। अब पूछा गया कि ये 500 ईयर्स की बात हुई कि 500 ईयर्स में ये एक्सटिंक्ट हुए हैं। अब इसमें कौन कौन है, इसमें डोडो एक बर्ड है जो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुई है, कग्गा जो है, कग्गा एक हम बोल सकते हैं हॉर्स और डोंकी का एक क्रॉस था, जिसका आगे वाला जो बॉडी का आगे वाला हॉर्स और जेब्रा का आगे वाला पोर्शन जेब्रा के जैसा था और पीछे वाला जो है उस पर स्ट्रिप्स नहीं थी, तो वो कग्गा। थाइलासिन जो है ये एक वॉल्फ की एक वैरायटी थी, वॉल्फ का एक टाइप था जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था। अब इसका एक रिलेटिव पाया जाता है जिसे हम तस्मानियन डेविल बोलते हैं। स्टीलर सी काउ, स्टीलर सी काउ रशिया से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन ठीक है इंडिया का जो गल्फ रीजन है, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, वहां पर सी काउ पाए जाते हैं अभी भी, है ना। तो ये याद रखना, 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली जवान एंड कैस्पियन, ये भी क्या हो गए, सब स्पीशीज है टाइगर की जो 500 सालों में पिछले एक्सटिंक्ट हुए। अब ये डेटा है कि 27 स्पीशीज हैव बीन डिसअपीयर्ड इन लास्ट 20 इयर्स, पिछले 20 सालों में 27 स्पीशीज डिसअपीयर हो गई हैं। और जब पूरा एनालिसिस किया गया तो पता चला कि राइट नाउ मोर देन 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, इन पे अभी एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, जिसमें जितनी भी बर्ड्स हैं उनकी 12% स्पीशीज, जितने मैमल्स हैं उनकी 23% स्पीशीज, 32% एम्फीबियन की स्पीशीज, 31% जो है जिम्नोस्पर्म स्पीशीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। इनमें एक्सटिंक्शन का खतरा अभी भी चल रहा है, ठीक है, याद रखना। द करंट एक्सटिंक्शन रेट ह्यूमन से पहले और ह्यूमन के बाद, यानी ह्यूमन के ओरिजिनेट होने से पहले यानी प्री ह्यूमन टाइम में और आज के टाइम में एक्सटिंक्शन रेट्स 100 से 1000 टाइम्स ज्यादा है, और इसी रेट से चलता रहा तो अगले 100 सालों में लगभग 50% जो स्पीशीज है वो क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ये डेटा है, याद रखना। क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, प्लांट की जो टॉलरेंस कंडीशन है प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, एनवायरनमेंट में जो है डिस्टरबेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिस्टरबेंसेस, सच एज ड्रॉट, सूखा वगैरह पड़ने लगता है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट डिजीज साइकिल। तो जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो जो भी इकोसिस्टम के नॉर्मल प्रोसेसेस हैं उनमें डिफरेंसेस डेवलप होते हैं, कोई डिजीज है तो डिजीज साइकिल में चेंज होता है, एडाप्टेबिलिटी डेवलप होती है उनकी, और उसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोलैप्स कर जाए, ठीक है। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्यों होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस, उसके चार मेन रीजन है जिन्हें एविल क्वार्टेट या शैतानों की चौकड़ी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, कि भाई जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी हैबिटेट है, इकोसिस्टम है, उसको लॉस कर रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है, जिसमें डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट रिस्पॉन्सिबल रीजन है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि पिछले 100 सालों में 14% से रिड्यूस होके 6% तक हो गए हैं। थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट विद इन आवर्स, हर घंटे हजारों हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट की कटाई हो रही है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, अमेजन रेन फॉरेस्ट का को काटा जा रहा है, किसकी खेती करने के लिए, सोयाबीन की खेती करने के लिए, और जो उनके कैटल्स हैं वहां जो लोग रहते हैं उनके कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए उन्हें ग्रेजिंग फील्ड मिले, तो इसके लिए जो है अमेजन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, और ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फ्रेगमेंटेशन बैडली अफेक्ट एनिमल रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज एंड माइग्रेटरी एनिमल, तो ऐसे एनिमल जिन्हें बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है, जिन्हें बड़ा एरिया चाहिए, जो बड़े एरियाज में रहते हैं, तो जब हैबिटेट लॉस होता है, एक बड़ा इकोसिस्टम छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उन एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम होती है, और ऐसे एनिमल्स जो माइग्रेशन करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। पता चला पिछले साल माइग्रेशन कर रहे थे जिस रास्ते से, इस रास्ते के बीच में कॉलोनी बन गई, सड़क बन गई, अब वो कहाँ से जाएंगे, कॉलोनी के बीच से तो जाएंगे नहीं,
कॉलोनी बीच से जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे अरे हमारे घर में जो है लेपर्ड घुस गया। घर में लेपर्ड नहीं घुसा है, घर लेपर्ड के घर में घुसा है, ठीक है, याद रखना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा अगर, व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जरूरत से ज्यादा अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो भी एक्सटिंक्शन पाया जाता है, जिसका बड़ा फेमस एग्जांपल हमें दो मिलते हैं, हालांकि डोडो भी इसी में है, स्टीलर सीकाउ, पैसेंजर पिजन, इनका एक्सटिंक्शन हुआ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। डोडो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन से ही एक्सटिंक्ट है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन की बात करें तो बाहर की कोई स्पीशीज अगर दूसरे हैबिटेट से आ गई तो हम उसको बात कर रहे हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। और एलियन स्पीशीज इन्वेजन में यहाँ पर है आ गया कि अगर कोई बाहर से स्पीशीज आती है तो वो लोकल स्पीशीज यानी इंडिजिनस स्पीशीज, जो वहां पर नेटिव स्पीशीज है, उसको अफेक्ट करती है। जैसे नाइल पर्च, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मिलता है, पढ़ा हुआ है हमने, नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया गया, तो एक साल के अंदर है ना वहां पर लगभग 200 स्पीशीज ऑफ किकलिड फिशेस एक्सटिंक्ट हो गई विद इन अ ईयर। मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ किकलिड फिशेस एक्सटिंक्ट हो गई, कहां पे, लेक विक्टोरिया। ऐसे ही पार्थेनियम कैरड ग्रास जो है, तीन है, कैरड ग्रास, लैंटाना एंड आइकॉर्निया, जिसे हम वाटर हाइसेंथ कहते हैं। ये तीन स्पीशीज जो है इन्वेजिव स्पीशीज है और ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई और यहां पर इन्होंने नेटिव स्पीशीज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, डैमेज टू आवर नेटिव स्पीशीज इंडिया में। इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैट फिश क्लैरियस गैरिपाइनस फॉर एक्वाकल्चर इज अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैट फिश इन आवर रिवर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो होता क्या ना, लोग एक्वेरियम लाते हैं, अब एक्वेरियम ले आए जोश जोश में, और एक्वेरियम में जो फिशेज होती हैं उसमें कई तरह की फिशेज हैं, जो भी खूबसूरत टाइप की अच्छी फिश दिख रही है, ब्यूटीफुल दिख रही है, उसको ले आए एक्वेरियम में रख दिया, और उसी में वो भी एक आती है सकर कैट फिश, है ना, वो जो एल्गी वगैरह खाती रहती है। तो जब लोग मैनेज नहीं कर पाते कई बार तो इन फिशेज को तालाब में फेंक देते हैं, नदियों में फेंक देते हैं। अभी ऐसे ही दो केस हुए हैं, ठीक है, कई तालाबों में से हमें एक्वेरियम फिश मिली हैं और वो कैट फिशेज हैं, और कुछ लोग जो है वो गेटर गार क्रोकोडाइल जैसी एक फिश आती है वो भी एक्वेरियम में रखते हैं, वो भी ले आए और उसको फेंक दिया। अभी जो न्यूज मुझे मिली है, न्यूज मैंने न्यूज में ही देखा कि अपना जो भोपाल में जो लेक है उसमें गेटर गार मिली, तो गेटर गार वहां थोड़ी आई, किसी ने एक्वेरियम में लाया होगा और एक्वेरियम में उसको रख नहीं पाया तो उसको ले जाके तालाब में छोड़ दिया। अब वो तालाब के इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगी क्योंकि वो वहां के लिए क्या है, एलियन स्पीशीज। तो ये भी देखा गया कि अफ्रीकन कैटफिश जो है रिवर्स में छोड़ा गया है कुछ लोगों ने और उसकी वजह से रिवर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट आता है कोएक्सटिंक्शन। कोएक्सटिंक्शन व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द स्पीशीज एसोसिएटेड विद ऑल्सो एक्सटिंक्ट। अगर दो स्पीशीज हैं दोनों एक साथ रह रही, एक एक्सटिंक्ट हो गई तो उसकी वजह से दूसरा एक्सटिंक्ट हो सकता है। जैसे कि कोई पैरासाइट होस्ट का इंटरेक्शन है, होस्ट एक्सटिंक्ट हो गया, पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो गया। प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म है, ये एक खास प्लांट है जिसमें एक ही पॉलिनेटर है जो पॉलिनेशन कॉज करता है, अगर वो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो जाएगा। थ्री कैटेगरीज आती हैं जो कंजर्वेशन यानी बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए जो डिस्कशन है कि बायोडायवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो तीन आर्गुमेंट है। पहला आता है नैरो यूटिलिटी आर्गुमेंट। नैरो यूटिलिटी आर्गुमेंट कहता है कि भाई हमें बायोडायवर्सिटी जो है, जो स्पीशीज हैं उनसे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैसे प्रोडक्ट मिलते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट वाले प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे फूड मिलता है, फायरवुड मिलता है, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कि टैनिंस, ल्यूब्रिकेंट, डाइज, रेजिन, परफ्यूम हो गए, तो ये हमें प्रोडक्ट मिलते हैं और साथ ही साथ मेडिसिन भी मिलती हैं। तो ये प्रोडक्ट हमें बायोडायवर्सिटी से मिलते हैं और इसलिए हमें बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी हमें अपने बेनिफिट के लिए बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसको बोलते हैं नैरो यूटिलिटी आर्ग्यूमेंट। More than 25% of the drugs are derived from plant.
जितने भी मेडिसिंस बनाई जाती है उसमें से 25% प्लांट सोर्स से बनते हैं, एंड 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू, मोर देन 25,000 प्लांट स्पीशीज हैव मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू पाई जाती है, ये याद रखना, मोर देन 25,000 स्पीशीज की बात हो रही। ब्रॉड यूटिलिटी आर्गुमेंट क्या कह रहा है कि भाई बायोडाइवर्सिटी हैज मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज, बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज देता है, जैसे कि हमें ऑक्सीजन देता है बायोडाइवर्सिटी, अमेजन फॉरेस्ट जिसे लंग्स ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, पूरे अर्थ का ऑक्सीजन प्रोडक्शन का 20% वही प्रोड्यूस करता है और इसीलिए उसे लंग्स ऑफ प्लैनेट करते हैं। पॉलिनेशन थ्रू बीज, बम्बली बीज, बर्ड्स एंड बैट, अगर हम केवल इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स 80% पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं और उसमें से भी 96% यानी इंसेक्ट्स जितना पॉलिनेशन कर रहे हैं उनका 96% अकेले हनी बीज और बम्बली बीज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स और बैट भी पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं और उसी से हमें फूड मिलता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक प्लेजर भाई, बायोडाइवर्सिटी नेचर की खूबसूरती के लिए भी हमें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि एस्थेटिक वैल्यू बढ़ती है, टूरिज्म वगैरह बढ़ता है, ठीक है। एथिकल आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि हर स्पीशीज की अपनी एक अलग इंटीग्रिटी होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और हमें सभी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना हमारी मोरल ड्यूटी होनी चाहिए, और प्रोटेक्ट करने के दो तरीके डेवलप किए गए हैं, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, जब किसी स्पीशीज का उसी के नेचुरल प्लेस पर कंजर्वेशन किया जाए तो उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, और जब उसको बाहर निकालकर किसी मैन मेड जगह पर, ठीक है, किसी ऐसी जगह पर प्रोटेक्ट किया जाए जो मैन मेड जगह है, जहां पर ह्यूमन ने डेवलप की है कोई जगह, तो उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो कंजर्वेशन ऑन साइट एट इट्स नेचुरल प्लेस, ठीक है, अपने नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल इकोसिस्टम में अगर प्रोटेक्शन किया जाए तो इसमें आते हैं नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, ये आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर क्या क्या दिए हैं देखो जरा, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जहां पर एनिमल्स और प्लांट दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको ऑलरेडी क्लास में बताई है, यहाँ वो इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में दी है। क्या क्या दिया गया भाई, वहां पर आप प्राइवेट ओनरशिप नहीं ले सकते, जमीन नहीं खरीद सकते, घर नहीं बना सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते, अपने जानवर चराने नहीं जा सकते, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड होती हैं, आने जाने के लिए टिकट लगता है। एराविकुलम नेशनल पार्क जो है केरला में है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं नेशनल पार्क। दूसरे आते हैं सेंचुरीज, ये भी नेशनल पार्क के जैसी हैं, बट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं, क्या है, कलेक्शन ऑफ टिम्बर कर सकते हैं, लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर लिया, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, फल वल के पौधे वगैरह लगा लिए, वो ले लिया, ठीक है, और प्राइवेट ओनरशिप ले सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, घर बना सकते हो, खेती कर सकते हो, लेकिन वहां के वाइल्ड लाइफ और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान नहीं करना है, और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है भाई, एरियाज ऑफ लैंड और कोस्टल इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, कि अगर हम हाई बायोडाइवर्स एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व हम घोषित करते हैं, उसके तीन जोन होते हैं, आप याद करो, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन, ठीक है, ये तीन जोन है, तीनों जोन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना है, ये तीन जोन किस में पाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में, सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन में माइनर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती हैं, बफर जोन में केवल रिसर्च और किसी पर्टिकुलर जो है मोटिव की वजह से ही जा सकते हैं, वेरी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड, और कोर जोन जो होता है वहां पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। अगला एग्जांपल मिलता है सैक्रेड ग्रूव्स। सैक्रेड ग्रूव्स ऐसी एरियाज, ऐसी जगह होती हैं जिनको रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से, रिलीजियस बिलीफ की वजह से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, उन्हें कहते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। जैसे हमें ये याद रखना है सैक्रेड ग्रूव्स इन काशी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। मेघालय में ये हिल्स हैं काशी एंड जयंतिया, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ये भी रिलीजियस बिलीफ की वजह से कंजर्व है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट रीजन है कर्नाटक और महाराष्ट्र का। सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज, अब ये छत्तीसगढ़ में आता है, पहले मध्य प्रदेश में था, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे,
सीजी छत्तीसगढ़, ठीक है याद रखना, ये कहां आते हैं, छत्तीसगढ़ में, पहले मध्य प्रदेश में थे, अब ये छत्तीसगढ़ में आते हैं। इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इंडिया में टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व। अभी लेटेस्ट डेटा क्या कह रहा है भाई, लेटेस्ट डेटा हमें ध्यान में रखना है भाई, ठीक है, लेटेस्ट डेटा एटीन है, तो लेटेस्ट डेटा पे जाते हैं तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें, अगर 105 भी मिल जाए तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 106, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा, ये डेटा हर साल जो है चेंज होता रहता है, तो इसलिए ये डेटा में याद रखना है। अब हर साल ये डेटा चेंज होता रहता है तो उसके लिए अपन को तैयार रखना पड़ता है। तो 10 अगर 5 आ गया तो भी नेशनल पार्क में कोई दिक्कत नहीं है, 567 की जगह 566 लिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये डेटा लिखा है तो इसी को लगाना, ठीक है। एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ साइट, यानी अपनी जगह से बाहर जो कंजर्वेशन करते हैं उसे कहते हैं एक्सीटू कंजर्वेशन। इट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड देयर हैबिटेट, हैबिटेट से बाहर, जैसे कि कुछ रिसोर्स सेंटर होते हैं, रिसर्च सेंटर हो सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन हो सकते हैं, जीन बैंक हो सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है, जो किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके ठंडा करके जो प्रिजर्वेशन करते हैं। एक एक करके देखते हैं, हॉटस्पॉट की बात करें तो दीज आर द रीजन वेयर हाई स्पीशीज रिचनेस पाई जाती है, हाई स्पीशीज रिचनेस हॉटस्पॉट, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, हाई स्पीशीज रिचनेस है, तो यहां पर एंडेमिक स्पीशीज मिलती हैं, एंडेमिक स्पीशीज यानी लोकल स्पीशीज मिलती हैं। ये भी इनसीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है, हॉटस्पॉट, एंडेमिक स्पीशीज, लोकल स्पीशीज मिलती हैं। देयर आर अबाउट 34 हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, कई बार पूछा गया है, 34 हॉटस्पॉट पूरे वर्ल्ड में है, तीन जो है इंडिया में, कौन कौन सी तीन है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका एक हो गया, इंडो बर्मा रीजन दो हो गया, और हिमालयन तीन हो गया। तो ये तीन हॉटस्पॉट जो है इंडिया में है, याद रखना अपने को। ऑल द हॉटस्पॉट कवर, सारे हॉटस्पॉट क्या कवर करते हैं, कवर लेस देन 2% एरिया ऑफ द अर्थ, अर्थ का लैंड एरिया कवर करते हैं, लेकिन बायोडायवर्सिटी में कितना, बायोडायवर्सिटी में इनका शेयर बहुत ज्यादा है। अब इनकी वजह से क्या हो गया है, प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन बाई 30%। हॉटस्पॉट को प्रोटेक्ट करने की वजह से जो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी है, जो एक्सटिंक्शन का रेट था, वो 30% तक रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल एफर्ट क्या क्या लगाए गए हैं, अर्थ समिट और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी रियो डे जेनेरियो में हुआ था 1992 में। इसके तीन ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या तीन ऑब्जेक्टिव थे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड शेयरिंग द बेनिफिट्स ऑफ अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव थे जो 1992 में रियो डे जेनेरियो में हुआ था अर्थ समिट। फिर उसके बाद 2002 में हुआ वर्ल्ड समिट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, और जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में। इसमें लगभग 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने प्लेज लिया था
टू रिड्यूस द करेंट रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, ठीक है, ये डेटा है जो 2002 से रिलेटेड और ये पूछा जाता है, ठीक है। तो जो डेटा है, जो फैक्ट है, वो अपने को याद रखना है, वो फैक्ट पूछे जाते हैं बच्चों। तो यहां हमारा जूलॉजी का जो सिलेबस है रिवीजन का, वो सिलेबस कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे रिवीजन जो है अपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और बीच में ऐसी एक आध क्लास में लूंगा जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट किसको लेकर रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जूलॉजी को लेकर रहेगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर।